पूजा के बहाने ही सही, हमारी मिश्री हमारे सामने ही तो रहेगी 2-3 घंटे के लिए, मेरी आंखों के सामने। ये सब संभाल कर रख दे, हाँ ठीक से तैयारी करना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अरे वाह, बड़ा फूटा लहंगा है मिस्त्री के लिए, इतना सुंदर लहंगा, क्या बात है। हाँ मीना बीनानी, बी का जन्मदिन के लिए लियो थो, पर हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी कि तेने पूछो को नहीं। नाराज क्यों होती हो दाईसा, वो सामने पड़ा था इतना सुंदर लहंगा, तो लगा छोरी कितनी सुंदर लगेगी, इसीलिए पूछ लिया। खैर मैं ये सब बातें करने थोड़ा ना आई हूँ, मैं तो ना आपको ना न्योता देने आई हूँ, पर हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है, तो आप और बहू को और मिस्री मिस्री को तो जरूर लेकर आना। और अब मिस्री की चिंता को नहीं करना, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, काना है, परी है, मिस्री है, सब खेल लेंगे साथ में, और मैं तो मिस्री का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो कल सत्यनारायण की पूजा में मिस्री को ले आओगी ना? मैं हाँ सब आऊंगा, मिश्री ने भी लाऊंगी। अब तू जा, अब बहुत घर में नोतो देनो सीना देना, जा जा ना, खड़ी क्यों सिर पर। बीननी अया हर बात कोई का सामना नहीं बोलना चाहिए, और खासकर अया की बात ना, और मीना बीननी ना इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं गेट के पास खड़ी कान लगा कर सुनती हो सी, कुछ तो चक्कर है, और ऐसी कौन सी बात है जो मारे से छुपानी है। इन सास बहू की ना कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, मुझे अपने कान और अपनी आंखें दोनों ना दाईसा के घर से चिपका के रखनी पड़ेंगी, पता तो जरूर लगाऊंगी आखिर चल के रहा है। और दरवाजे अच्छा सा बंद कर रखा कर, जा बंद कर कर आप। अरे बाप रे आ गई। एग्जिट पोल के अनुसार पुष्कर विधानसभा सीट से कविता जी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नहीं नहीं सूरज जी, मैं जरूर आऊंगी, भाभो ने इतने प्यार से न्योता दिया है, अब उनके न्योते का मान तो रखना पड़ेगा ना मुझे। जी जी शुक्रिया। दरअसल भाभो ने कहा था कि पता नहीं कल आपको समय मिले या ना मिले, क्योंकि कल तो चुनावी परिणाम आने वाला है, तो शायद हो सकता है आप। सूरज जी जनता की सेवा में तो हम हमेशा हाजिर हैं, और वैसे भी मैं अभी मंत्री बनी नहीं हूँ, मैं जरूर आऊंगी, अच्छा रखती हूँ। जी जी शुक्रिया। मैडम जी आप कल वहाँ कैसे जा सकती हैं? जीत के जश्न के बीच में समय मिल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जिस घर से मैंने राजनीति के खेल खेलने की शुरुआत की है, जीत की खबर भी वही मिलेगी, वो भी संध्या राठी के सामने, तो जीत का मजा कुछ अलग ही होगा ना। बैग तो पैक हो गया, अब कितने दिनों के बाद जा रही हूँ भाभी के पास में, अब कम से कम 4-5 दिन तो रह के ही आऊंगी, और मम्मी जी की वो डॉक्टर के पास जाने की रेट से छुटकारा मिलेगा। छवि जी, मम्मी जी ये लो इसमें कुछ फ्रूट है। अच्छा बेटा तुम कितनी देर में निकलोगे? मम्मी हम लोग 1/2 घंटे में निकल जाएंगे, वो क्या है ना कि दिलीप जी कहीं गए, कुछ काम था उनको, अपना काम निपटा के आ जाएंगे वो, फिर मुझे ड्रॉप कर देंगे। चलो ये तो अच्छी बात है कि भी 1/2 घंटा बाकी है। अब देखो ना कितने दिनों से हम प्रिया के क्लिनिक पर जा ही नहीं पा रहे थे, आज वो खुद तुम्हें देखने के लिए आ रही है। अभी उसका फोन आया था कि वो बस 10 मिनट में पहुंच ही रही है।
अच्छा, आज तुम्हारा चेकअप भी हो जाएगा और तुम सत्यनारायण की पूजा के लिए समय से अपने घर भी पहुंच जाओगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मैं अपने झूठ में ही फंसी जा रही हूँ। अब क्या बहाना बनाऊं? हे भगवान, ओफो, मम्मी जी, एक मिनट में। मम्मी जी, ये फाइल्स हैं ऑफिस की, बहुत जरूरी हैं। अब मैं भूल ही गई थी कि इनको बॉस तक पहुंचानी है आज ही, और अगर नहीं पहुंचाई ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो। एक काम करती हूँ, ये फाइल्स उनको देख के आती हूँ। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई बस। छवि, अरे सुन, फोटो लाने के लिए कहा था ना मैंने। ले भाव। माता जी, हाँ, पूजा के लिए घी ले आइए। अब आ रही हूँ पंडित जी। ये काम भी ढंग से कोनी करे घर में। एग्जिट पोल के अनुसार पुष्कर विधानसभा सीट से कविता जी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब जीत रही है हमारी कविता जी। पंडित जी, हाँ जी, ये लीजिए। शर्मा ने इस बार के चुनाव में अचंभित करने वाला प्रदर्शन किया है। युवा नेता है जिसका प्रभाव युवाओं पर ऐसा पड़ा पंडित जी कि उनको एग्जिट पोल ने रिकॉर्ड वोट से विजेता घोषित किया। रे मोहित, इस बार के प्रचार में हमारे बाबा साहब के टीवी का भोपुका बजाए ना, कम करें। मतगणना में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लगाना आराम से की घोषणा से लेकर प्रचार के अंतिम दिन तक कठे रहेंगे। रे छोटू, हर क्षेत्र में आया भावो, रुक 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 भगवान सत्यनारायण की फोटो लाने के लिए कहा था, संध्या बिनिनी की फोटो क्यों उठा कर लाए हो? माफ करना भाबो, वो मुझे लगा कि आपने यही फोटो लाने को कहा है। अरे मारा राम जी, सबके साथ बावला हो गया क्या? अरे अगर अगर पूजा न होती तो एक कान के नीचे देती। अब खड़े खड़े मारे मुंडो क्या देख रहे हो? जाकर बदल लाए। अरे सुन, थारे बाबा साहब ने पूछ के साबत सुपारी को डब्बो कट्ठे रखे हो? जी भावो। भावो, बोल दिया। जा, तू थारो काम कर। हाँ। सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद दिया है। ले आओ। आइए हम आपको ले चलते हैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में। कविता अपने विरोधी उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा आगे चल रही है। अरे वाह, अच्छी बढ़त मिल रही है कविता जी को। अरे क्या हुआ? केबल चले गए हो, बिल नहीं भरा होगा टापरों ने। नहीं बाबा साहब, अरे परसों ही सूरज भैया ने बिल भरा था। तुझे किसने पूछा? तू अटक क्यों कर रहा है? तू अपना काम कर। बाबा साहब भावो ने वो पूजा के लिए अखी सुपारी मंगवाई है। अरे बठी रखी होगी कहीं, भावो को बोल दे थारी आसपास कहीं ढूंढ ले। जेके, ये बीनरी की ट्रॉफी वाली फोटो कटे ले जा रहा है। बाबा साहब, वो भावो ने सत्यनारायण जी की फोटो मंगवाई थी, मैं भाभी साहब के लिए आया। मैं रखने ही जा रहा हूँ। अरे नहीं छोटू, तूने गलती कोनी की है, तू बहुत ही सही टाइम पर लेके आया फोटो। देख, आज सत्यनारायण की पूजा है, अभी पड़ोसी घर वाले सगी समिंदी लोग आवेंगे, तो मैं ये फोटो ऐसी जगह पर रखूंगा
सबकी नजर रोटी पर ही पड़े। अरे हमारे परिवार का सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी मान बढ़ेगा। हाँ बाबा साहब, ये आइडिया अच्छा है। अच्छा है ना। बीनड़ी भावो ला ला लो पंडित जी। हाँ जी। तू कठे जा रही? वो चतुरी को रसोई में मदद कर देती हूँ। ना बीनड़ी, रसोई में ना थारा काम को नहीं। तू तो एक काम कर, सूरज की दुकान से ना प्रसाद लेकर आए। दिन भर से छोरो दुकान पर माथा पच्ची कर रहे, पर भीनड़ी ध्यान रहे, पूजा का प्रसाद है। हा? हाँ बाबू, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। हाँ हाँ, जा संभाल कर जाए। हाँ चलो। क्या चाहिए? अच्छा, एक किलो। एक मिनट। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आपका काम ना है। और खेल तो अच्छा खेला आपने सदन जी, पर अफसोस आपकी उल्टी पकड़ी करछी ने पोल खोल दी। वो कहना कि जिसका काम उसी को साजे। और वैसे भी संदेश जी, एक पुलिस वाले का पति हूं, दूर से पहचान लेता हूं, क्योंकि दुनिया में उल्टी कच्ची सिर्फ और सिर्फ आप पकड़ती हैं और कोई नहीं। बताइए पति देव जी, मेरे लिए क्या आदेश है? आपके लिए आदेश ये है कि आप ये सब कुछ यहीं पे छोड़ो और आराम से आओ। आप छठानी बनके यहीं पे रुकिए, बाकी मैं कर लेता हूं। कविता जी। नमस्ते जी। नमस्ते सूरज जी। नमस्ते कविता जी। नमस्ते। आप घर जा रही है ना? रुकिए आप। ये मिर्चू कहाँ गया? सूरज जी वो घर पर था। घर पे है? आप रुकिए ना, मैं मिर्चू को देख के आता हूँ। जी। हाँ?
बड़ी मेहनती है मेरी बहू छवि। अब देखो ऐसी हालत में भी ऑफिस की फाइल पहुंचाने के लिए खुद गई है। मैं सोच रही थी कि अब उसे ऑफिस से छुट्टी ले लेनी चाहिए। ऐसी हालत में ज्यादा भागदौड़ करना ठीक नहीं है ना। यही तो हम गलत सोच रहे हैं मासी। सच तो ये है कि काम करते हुए हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। और हाँ, ध्यान रहे कि वो समय पर खाना खाए और भरपूर नींद ले। मैं तो बातों बात में भूल ही गई, वो ऑफिस फाइल देने गई थी और अभी तक नहीं लौटी। मैं फोन लगाती हूँ, कहाँ पहुंची हो? मम्मी, क्या हुआ बेटा? छवि, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मी, छवि ऑफिस से लौट रही थी, उसका पैर फिसल गया, सीढ़ियों से गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। अपने आप को संभाल। दिलीप, तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे? दीदी, ये तो मुझे नहीं मालूम। दरअसल वो अकेले ही गई थी, उसने तो मुझे रास्ते से फोन किया तो मैं उसे पिक करने चला गया। दीदी, मैं छवि के पास जाता हूँ। इट्स ओके, आप जाइए, पहले छवि जी को देख लीजिए। जी। तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार कितनी इज्जत करता है मेरी, ये सब देखिए जान तो तुम्हारी बहुत जल्दी होगी। बिल्कुल नहीं कविता जी, मेरा परिवार बहुत सीधा साधा है, रिश्तों में राजनीति नहीं करती। और आपको तो ये इज्जत अभी तक मिल रही है जब तक वो लोग आपके असली चेहरे से नहीं जा रहे। इस चेहरे पे बहुत जल्द मंत्री पद का ताज पहनाया जाने वाला है। इज्जत तो तब देखना तुम मेरी, तुम यहाँ आग में झुलसती रहोगी और तुम्हारा परिवार दिए में आग जलाकर मेरी आरती उतारेगा। कविता जी, आप मेरे साथ घर पे आ जाइए। संजय जी, जो आ रहा है आप तो ठीक। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।